हाँ, तो इस बार चुनाव का माहौल क्या है? तुम आप किसको वोट दे रहे हैं? इंडिया हम गठबंधन को दे रहे हैं, हाँ इंडिया बीजेपी को दे गठबंधन, रहे हैं, इंडिया या गठबंधन अपक्ष में नहीं कांग्रेस को कांग्रेस को? काहे? देखेंगे, बदलाव होना चाहिए। मोदी जी को 10 साल झेला है, झेला है? हाँ झेला है 10 साल हमने, अच्छा, अब कांग्रेस को भी देखते हैं, सपा को भी झेला है। नहीं राहुल गांधी की उम्मीद तो दिख नहीं रही, ऐसा कुछ नहीं ऐसा नहीं है, हवा है? दो हाँ बिल्कुल हवा है, 2-3 स्टेट में हुकूमत है उनकी, और इस बार स्टेट के मतलब वो विधानसभा है, विधान ये लोकसभा है, बड़ा फर्क होता दोनों में। नहीं फर्क तो है, लेकिन इस बार गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे वो, और निकल भी सकते हैं उम्मीद है इस बार। महाराष्ट्र से क्या है? महाराष्ट्र से भी उम्मीद है, गठबंधन जो है कांग्रेस और मिसाल का अच्छा गठबंधन चल रहा है। लेकिन एक गलती हुई बता रहे, नसीम खान तो बैठ गए हैं और 48 के 48 में से एक भी मुस्लिम को नहीं उतारा, इससे नाराजगी है कि नहीं? हाँ वो तो है नाराजगी बिल्कुल। तो फिर बीजेपी को तो ना वोट? अब बीजेपी को तो अब मैंने आपको पहले बताया कि 10 साल झेल चुके हैं हम, अब कांग्रेस को भी देखते एक बार। आपका क्या कहना है इस पर? जो ये कह रहे हैं, क्या कांग्रेस आने की उम्मीद है, कुछ चांस है? थोड़ा कांग्रेस के चांस तो है, बुलंद आवाज ताकि हम लोग हाँ चांस तो को है कांग्रेस के। कैसे मतलब लग रहा है चांस है? इनके सुन ली इसके लिए? नहीं इनका सुनने से नहीं, ये तो पहले से हमने देखा है ऐसा कि बीजेपी सरकार ने कुछ अच्छा नहीं किया। बस क्या नाम इसको, और वो ओवैसी साहब आए थे, उनको तो लिया नहीं, तो उनकी जो 3 सीटें लड़ रही हैं, जितने के बाद में अगर कांग्रेस को जरूरत पड़ेगी तो क्या वो देंगे? हाँ देना देना भी चाहिए, देना चाहिए अगर जरूरत पड़ी, जरूरत पड़ी तो देना चाहिए, देना चाहिए अगर बीजेपी की जरूरत पड़ी तो। नहीं इसको नहीं देना चाहिए, अरे 10 साल से तो हम लोग झेल ही रहे हैं, 10 साल में क्या क्या दिया हम लोग को। मगर आप तो टीम तो बीजेपी के ना? कौन बोलता है टीम बीजेपी की है? सब मीडिया बोल, अरे मीडिया सालार गोदी मीडिया ही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम भोला है, भोला भाई बहुत भोले हैं, मोदी जी के फैन है। मोदी जी के फैन है, तो आपका वोट कहाँ जा रहा है? मेरा तो डायरेक्ट फूल में जाएगा, फूल में जाएगा। हाँ अब फूल तो लोग बता रहे फूल को वोट डालना भूले, अरे भूल नहीं, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, जो फूल में अगर वोट नहीं दोगे तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो। दबाव में है आप? नहीं नहीं मैं दबाव में किसी के नहीं रहता हूँ, मैं मोदी जी का फैन हूँ, बोलते बहुत अच्छा है मोदी जी। तो बोलने से क्या मतलब, बोलने से विकास हो जाएगा? हाँ तो उनका फैन हूँ, उनको वोट डालूंगा, अच्छा करें या खराब करें मोदी जी का फैन हूँ। अच्छा करें या खराब, इस बार कितनी सीटें आ रही? अब की बार सब सीट ही सीट उनकी है। कितनी आ रही है? 400, 300, 500? 400 आएंगी कम से कम, 400 आएंगी। हाँ जैसा लोग कह रहे 400 पार मतलब है? नहीं 400 से पार भी हो सकती है, फिलहाल के लिए 400 तो आ जाएगी। मतलब सरकार बना रहे तुम? सरकार तो बनेगी मोदी जी की। अच्छा हाँ, EVM घोटाला करके? घोटाला घोटाला नहीं करते हैं, नहीं करते, नहीं नाम तो बहुत आता घोटाले में। अरे घोटाले नाम कहते हैं लोग, कहने दो उससे क्या होता है। बोले बीजेपी बन रही 400 पार हो रहे बता रहे, क्या उम्मीद है? अब ये बीजेपी वाले हैं वो अपनी तरफ से सही जा रहे हैं, क्योंकि ये 12th के बाद इंटरमीडिएट भी करा सकते हैं तो ये सही जा रहे हैं, ये करा सकते हैं। क्या बोले हो? अभी मैं माल देख रहा हूँ। बीजेपी सरकार बन रही है कि कांग्रेस द्वारा आ रही है? कांग्रेस आ रही है, बीजेपी नहीं। रिपीट कर रहे हैं मोदी जी बता रहे हो? कुछ नहीं, बीजेपी गड्ढे में जा रही है। गड्ढे में? हाँ गड्ढे में गई भैया। अरे नहीं मोदी जी जीतेंगे, गड्ढे में गई भाई बोल रहा था। अरे ये गड्ढे में नहीं जाएगी, ये आसमान पे जाएगी। अच्छा हाँ आसमान पे जाएगी, उनके कहने से थोड़ी कुछ होता है। आसमान पे? चुनाव तो जमीन पे हो रहा है ना, जमीन पे हो रहा है, लेकिन मोदी तो आसमान पे जा रहे हैं ना।